गुड मॉर्निंग राइडर्स, संडे की गुड मॉर्निंग ज्ञानशाला व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज संडे राइड पे जाते हुए अपने ग्रुप के पास, सबसे पहले सभी भाइयों को इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओ भाई, सुबह का मौसम, कोई नहीं है रोड पे भाई, खाली पड़ी है, खाली, सिर्फ हमें। ये संडे राइड का यही मजा भाई, एकदम खाली रोड, कोई नहीं रोड पर। उसकी बहन के मजे ही मजे। हेलो, कोई नहीं, कहते ही लोग दिख गए। बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे भाई इतने संडे राइड पे, आप संडे राइड का आनंद लीजिएगा, मज़ा लीजिएगा संडे राइड का। आज के व्लॉग में लेट ना हो गया हूँ यार मैं, 5:30 बजे का टाइम था, अभी 5:35 हो गए हैं। तो थोड़ा सा बाइक को तेज भगाते हुए भाई, ई रिक्शा वाले भी कहीं को मोड़ देते हैं, इसलिए हम तेज नहीं चलाते गुरु। अच्छा, बाइकर का सबसे ज्यादा डर, बाइकर को सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना रोड पे बाइक चलाते वक्त, तो मेरे को जो लगता है वो तो रहता है कि भाई, एक तो ये कुत्ते जो आ जाते हैं डॉगी एकदम से, वो काटने को दौड़ते हैं, जो फिर रुक जाओ तो वो भी रुक जाते हैं। दूसरा, गायें गैयाँ आ जाती है बीच में कहीं से, अगर आप हाईवे पे हो तो वो बड़ा डर रहता है। और सिटी में तो भाई ये थ्री व्हीलर कहीं से भी आ जाते, कि किधर को मुड़ देते हैं, इनका कुछ जाना तो है नहीं, नहीं पता। ये देखो ये कुत्ते ताक में। चल, तो अभी हम चल रहे हैं और आगे मिलते हैं। भाई स्पीड है 60 की, ना किसी से घाट की। जो मेरे भाई देसी जानते हैं अपने हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो समझ गए होंगे। स्पीड है 60 की, ना किससे घाट की, मतलब 60 की स्पीड है और किससे कम भी नहीं है। तो राइम बन रही थी तो इसलिए बोल दिया। गड्ढा आ गया एकदम से बीच में, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में भाई। अगर आपको रोड का अच्छे से पता नहीं है ना, कहाँ पे क्या गड्ढा है, कौन सा क्या टर्न है, तो वहाँ पे तेज चलाइए ही मत, वहाँ पे चलाइए आराम से, कंट्रोलेबल स्पीड में, जहाँ पे आपको लगे कि आप कंट्रोल कर लोगे, जहाँ पे थ्रिल आने लगे वहाँ पे रुक जाना चाहिए। और ट्रक ही ट्रक, चारों तरफ ट्रक ही ट्रक। हो
भाई मीटियोर का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, मतलब हाईवे पे सिटी में गजब। मैं आगरा गया था तो 80 की स्पीड लग नहीं रही थी कुछ भी, कि कहाँ आगरा एक्सप्रेसवे की बता रहा हूँ भाई, है कि 80 की स्पीड पे चल भी रही है एक्सप्रेसवे पे, मतलब इतनी बेहतरीन जम के चलती है अपनी ये बाइक। और मैंने अपनी बाइक का नाम रखा डुगडुग, और प्यार से मैं बुलाता हूँ डुगडुगिया डुगडुगिया डुगडुग। और अपनी डुगडुग जो है ना भाई इतनी जम के चलती है, फ्रंट में ABS, रियर में ABS, फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक्स, और मज़ा आ जाता है मतलब। पर भाई 80 की स्पीड अगर देखा जाए होती बहुत है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो पता ही है आपको, अगर एकदम से कोई सामने आ गया तो क्या होगा। तो भाई मैं तो रिकमेंड जो करता हूँ वो 60 की स्पीड करता हूँ। अगर आप हाईवे पे भी चला रहे हो ना, कितना ही अच्छा हाईवे है, तो आपको बहुत ही कंट्रोल स्पीड में चलाना चाहिए यार, भगाओ मत, रील ज़्यादा मत लो, जहाँ लगे कि भाई आप कंट्रोल कर लोगे बस वहीं तक ही अपना स्पीड बढ़ाओ। तब तक भाई आप लोग गाजियाबाद के नज़ारे लो, कई बार तो भाई मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जैसे सिटी में या जैसे अभी ये ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैं इतने आराम से चलाता हूँ कि स्प्लेंडर वाला भी आएगा और मेरे को ना क्रॉस कर जाता है, पर मैं भाई बहुत ही कंट्रोल स्पीड में चलाने वाला बंदा हूँ। मैं सिटी में 60 पे जैसी अभी ये रोड है इस पर चलाता हूँ भाई, इससे ऊपर मेरे को समझ में नहीं आता कुछ भी। क्योंकि यार देखो मैं समझता हूँ कि मैं बाइक को 80 पे भी कंट्रोल कर लूँगा, बट यहाँ पे ना कुछ भी आ जाता है एकदम सामने से, कुत्ता आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा, या अब काओ गैया आ जाएगी, कुछ भी एकदम से सामने से आ जाएगा, और आप ना फिर कंट्रोल मतलब होपलेस हो जाते हो ऐसे में, एकदम सामने से जब कुछ आ जाता है। तो भाई सेफ्टी शुड बी योर प्रायोरिटी, सेफ्टी आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, हल्की हल्की सी मिस्ट है, ओस सी है, और भाई गर्मी भी नहीं है, वही जो पहले पड़ रही थी, अभी मानसून आने से पहले तक जो गर्मी पड़ रही थी ना 45 डिग्री वाली, विकट भाई। संडे राइडिंग
संडे राइड कैंसिल करनी पड़ी थी हम लोगों को उसमें, इतनी गर्मी थी। पर आज है मौसम औसम राइडर के लिए ना सबसे। राइडर आप बताना आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे को जो राइडिंग के वक्त अच्छा लगता है, मौसम औसम हो, ट्रैफिक कम हो, बारिश ना हो, अच्छी हवा चल रही हो, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी। और भाई अपने हिसाब से चीज़ें कम ही होती है, कोई कोई दिन नहीं होता है, वरना या तो गर्मी होगी तो बहुत विकट होगी बारिश। और इंडिया में तो गर्मी विकट ही पड़ती है, बारिश पड़ती है वो भी विकट ही पड़ती है, और ये सर्दी पड़ती है तो वो भी विकट ही पड़ती है। कुछ दिन तो सर्दियों के भी ऐसे पड़ते हैं बस हड्डी जमा देने वाले, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता उन दिनों में। टाइम हो गया भाई 5:37, आनी पड़ेगी थोड़ी सी, 5:30 पे पहुंचना था भाई। पता नहीं मेरा कोई वेट करेगा नहीं करेगा। सब अपने भाई क्या हाल है जी, आज बैठ के जरा बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा कैसे हो, ये भी आए राइडर? सही है। Thank you.
आपको पता है फ्लाइंग का रास्ता प्रॉपर है।